लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक सस्पेंस लगातार बना हुआ है। नीतीश कुमार के करीबी बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विजेंद्र यादव कह रहे हैं सीट बंटवारे में देरी से नुकसान हो रहा है। विजेंद्र यादव ने कहा है अभी जेडीयू एक हफ्ते का इंतजार करेगी, नीतीश को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए क्योंकि नीतीश का चेहरा बेदाग। सुनिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड है, इस बारे में हम सीधे जानते हैं विजेंद्र यादव जी से, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं। आप लोग का क्या स्टैंड है सीट बंटवारे को लेकर, कितनी सीटें आप लड़ेंगे? आप सामने में देख रहे हैं, अखबार में भी निकल आया है कि 16 सीट मेरा सीटिंग है। तो जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं, जो बाकी बचे हुए 24 सीट है उस पर आपस में इंडिया गठबंधन का होगा विचार विमर्श। तो इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि सीटों में ये नीतीश कुमार आपके नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो कह रहे थे कि सीटों के बंटवारे को जल्दी जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि लेट हो गया? हाँ, लेट हो रहा है। हम लोग आज भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए। आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश सीतामढ़ी जैसे जगहों पर आपने कैंडिडेट का भी नाम अनाउंस कर दिया? नहीं, सीतामढ़ी तो हमारा सीटिंग सीट है, अरुणाचल में भी हमारे 7-8-9 MLA जीते थे, वहाँ हम लोग एक सीट का अनाउंसमेंट किया है। तो इससे क्या कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत नहीं होगी। एक और बात कही जा रही थी कि बार बार लगातार कि नीतीश कुमार जो है उनका चेहरा, जिस तरह से उन्होंने पूरे गठबंधन को एक सूत्र में पिरोया था और सूत्रधार कहे जाते थे, उन्हें संयोजक बनाया जाना चाहिए। अब तो शायद आप लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें PM पद का चेहरा क्यों नहीं? अब ये बातें बैठ के बात होगी, हम लोगों की अपनी राय है कि चूंकि उनका चेहरा साफ है, अनुभव भी है, देश की राजनीति में भी रहे हैं, बिहार में लंबे समय, इतना लंबे समय कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो वो दरवाजा जो है गुंजाइश वाला वो खुला रखा गया है विजेंद्र यादव जी की तरफ से भी। वो कह रहे हैं कि साहब क्योंकि हमारी पार्टी के नेता है, हम जानते हैं चेहरा बेदाग है, इसी वजह से पार्टी तो यही चाहेगी कि PM उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन मिल बैठकर बात होगी। ABP News आपको रखे आगे।